भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है भाई, ये तो सिर्फ झांकी है पिक्चर ही, बाकी अभी देखो कितने लोग बदल जाते हैं एंड कितने जबरदस्त जबरदस्त चीजें आप विटनेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज 26th of Jan एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू गाइस अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। और आप बताइए आपका आज का दिन कैसे जा रहा है। बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे जबरदस्त घमासानी युद्ध, सो भाई जबरदस्त घमासानी युद्ध जो भाई साहब यहाँ पे फैंस ने ठान ली, अब कोई भी निगेटिविटी करने वाला बंदा यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो भाई साहब यहाँ पे नव भारत टाइम जैसा कोई बड़ा न्यूज पोर्टल आर्टिकल छापने वाले बनते हो, चाहे भाई साहब यहाँ पे हमारे यूट्यूब दुनिया के कुछ ऐसे रिव्यूअर्स, मतलब कुछ ऐसे रिव्यूअर्स जो यहाँ पे चाहे टीजर रिव्यू हो, चाहे ट्रेलर रिव्यू हो, चाहे पूरी की पूरी मूवी रिव्यू हो, भाई 3 मिनट में खत्म कर देते हैं। भाई साहब यहाँ पे ऐसे ही एक यूट्यूबर गाइस आप लोग जानते हो इनको, भाई साहब यहाँ पे इनका नाम है योगी बोलता है और लगभग इनके 9 लाख से ज़्यादा भाई साहब सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी लोग इनको फॉलो करते थे। मैं बोल रहा हूँ फॉलो करते थे क्योंकि अब धीरे धीरे इन सभी की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ रहा है कि यार ये किस तरह के बंदे, किस तरह से अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मूवी पसंद नहीं है ठीक है, लेकिन भाई आप एटलीस्ट अगर आप यूट्यूब के थंबनेल लगाते हो तो कुछ एटलीस्ट ऐसे वर्ड चॉइस करो जिससे किसी को कुछ गलत भाई मैसेज ना जाए। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया मालूम, इन लोगों ने भाई कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स भाई अपने थंबनेल के अंदर लगाए जिसको देख करके आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार कोई कुछ ऐसे वर्ड्स कैसे यूज़ करते। मतलब आप लोग सिंपली जानते हैं आजकल की दुनिया के अंदर BCMC मतलब क्या होता है, हर कोई जानता है भाई BC और MC लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सिंपल सी बात है, ये लोग गालियों की तरह यूज़ करते हैं यार। और ऐसे वर्ड्स को इस बंदे ने अपने वीडियो के थंबनेल के अंदर लगाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भाई साहब यहाँ पे थंबनेल ले सकते हैं, इस बंदे का थंबनेल पहले क्या था, ये आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है भाई। सिंपल सी बात है, आपको दिमाग में आता है कि यार ये कि कैसे बंदे यार, मतलब लिटरली कैसे बंदे, तुम लोग इनडायरेक्ट तौर पर भाई साहब यहाँ पे गाली दे रहे हो, पूरी की पूरी मूवी को तुम लोग गाली दे रहे हो यार। सीरियसली अगर तुमको नहीं पसंद आया ठीक है मत बनाओ भाई, लेकिन तुम एटलीस्ट बना रहे हो तो एटलीस्ट वर्ड्स का सिलेक्शन ऐसा करो कि किसी को भाई ठेस ना पहुंचे यार। और यहाँ भाई साहब इनके ऐसे थंबनेल लगाने के बाद सिंपल सी बात है हमारे अक्षय पाजी के फैंस कैसे चुप रह सकते हैं, भाई साहब जबरदस्त तरीके से इनको घसीटे में ले लिया। और आप यकीन नहीं करोगे भाई, आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 10 आवर्स गाइस 10 घंटे के अंदर जैसे इस बंदे को ये मालूम पड़ा कि भाई अब इसकी बैंड बजने वाली, भाई साहब इसने तुरंत से गाइज अपना थंबनेल चेंज कर लिया। ये बिफोर है और ये आफ्टर द एक्शन, समझ में आ रहा है गाइज, ये है पावर। मैं आपको बताया था ना ये तो सिर्फ शुरुआत है गाइज, आप लोगों ने देखा था नव भारत टाइम्स ने भी ऐसे कुछ फालतू हरकत किया था, मतलब पहले आप इनके यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और फिर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आप खुद समझो यार ये लोग कितने बिके हुए हैं, लिटरली मतलब कितने बिके हुए। और यूट्यूबर्स भाई इन लोगों की तो बात ही अलग है, ये लोग पूरी तरह से बिके हुए थे, मतलब ये तो अपने 2-2.5 घंटे की मूवी रिव्यू भी 3 मिनट में खत्म कर देते हैं और उसके भी अंदर यहाँ पे लगभग इनका 15-20 सेकंड तो भाई किसी चीज़ का प्रचार होता है, तुम्हारा किसी चीज़ का प्रमोशन होता है। सो इस लेवल के बिके हुए लोग हैं, समझो इस चीज़ को, वी आर कमिंग बैक गाइस, फिर एक बार हम लोग जबरदस्त तरीके से कम बैक कर रहे हैं, फैंस यूनाइटेड हो रहे हैं एंड जबरदस्त तरीके से जो अच्छी चीज़ें करता है उसको भाई साहब यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। जो भाई साहब इनडायरेक्ट तौर पे अगर पसंद नहीं आए ठीक है, बट एटलीस्ट अपने लिमिट में रहो, सिंपल सी बात है अपने लिमिट में रहो, लिमिट में रह करके बातें करो तो अच्छा लगता है यार। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल गाइज, ये अब एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, खास तौर पे इस मूवी के केस में तो भाई बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। इस मूवी का इंतजार हम सभी ने बहुत ज़्यादा किया है और मतलब इस मूवी के लिए भाई साहब यहाँ पे अक्षय पाजी ने अपनी कई सारी मूवीज़ का लाइनअप खराब कर दी भाई। मिशन रानीगंज के बाद लगभग 6 महीने का गैप यहाँ पे दिया गया इस मूवी के लिए। मिशन रानीगंज कब आया था, अक्टूबर में आया था, नवंबर दिसंबर जनवरी चाली भाई, फरवरी मार्च अप्रैल में अपने को मूवी मिलने वाली, इतना लंबा गैप दिया गया। अली अब्बास जफर ने काफ़ी सारे दूसरे डायरेक्टर्स के साथ भाई साहब यहाँ पे बातें की, उनको मनाया, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे फालतू यूट्यूबर से इस तरह की बातें कर पाए। गाइस ये बहुत बड़ी फिल्म है और इस मूवी के लिए हर तरह का सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ भी फालतू चीज़ नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आती तो आप अपने कंटेंट में बात करो यार, कुछ अलग तरीके से बात करो, लेकिन आप इनडायरेक्ट तौर पे यहाँ पे मेकर्स को भाई लाखों करोड़ों जो फैंस यहाँ पे उनकी फीलिंग्स को आप हर्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, यू जस्ट कैन नॉट गाइज, आप नहीं कर सकते। और भाई साहब काफ़ी अच्छा खासा फीलिंग आ रहा है मुझे कि यहाँ पे फैंस काफ़ी ज़्यादा भाई साहब यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप लोग अगर यूनाइटेड रहोगे तो भाई हम लोग मचा देंगे, इसी से गाइस मचा देंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं भाई टीज़र के ऊपर अच्छा खासा रिएक्शन आ रहे हैं, काफ़ी लोग खुश हैं भाई, हमारा टीज़र ट्रेंडिंग से उतरने का नाम नहीं ले रहा है एंड ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि एक बार ट्रेंडिंग में आ गया तो भाई आ गया, इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बट उसके बावजूद कुछ लोग हैं ज़बरदस्ती अपने आप को कूल KOOL बनने के लिए इस तरह की फालतू हरकत करते हैं।
तो गाइस समझो आप इस चीज को, और देखते हैं और भी कितने लोगों की मचाते हैं भाई भाई, कितने लोगों की फाड़ना बाकी है अभी अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है। लेट्स सी, चेकआउट करते हैं, और जैसे भी लगता है कमेंट करो अभी के लिए इतना ही। आपकी कितने एक्सपेक्टेशन है हमारे इस फिल्म से कमेंट करेगा, आपने अभी तक कितना टीजर देखा है कमेंट करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, अभी के लिए इतना ही, और जो भी लगता है कमेंट करो। बाय।